रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर राजधानी के लक्ष्मीबाई वार्ड में गर्मी के दिनों में भी वहां सड़कें और गलियां पानी से लबालब रहती है, क्योंकि आसपास के नाली का पानी उस वार्ड में जमा होती है, जो कि मोहल्ले वाले के बार बार शिकायत करने पर भी पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज उन्होंने उत्तर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा को अपनी समस्या बताया। पूर्व विधायक द्वारा मौके का जायजा लेकर उस समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने की आश्वासन दिया। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ कांग्रेस के संजय सोना, हा माधव छुड़ा, अरुण जंगेल, मंगल तांडी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। छुड़िया कुमरदा शाखा द्वारा ग्राम चौरा बंजारी में डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। कुमरदा ब्लॉक तहसील संघाध्यक्ष श्री चिंताराम एवं सचिव श्री राकेश मेश्राम भी CNI छुड़िया दुर्ग से फकीर राम साहू की रिपोर्ट। सरायपाली अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती के अवसर में सरायपाली ब्लॉक के समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में सरायपाली विधायक राम लाल चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती चंद्र कुमार पटेल एवं HP गैस एजेंसी के प्रोपाइटर लोकनाथ बारी के उपस्थित में सरायपाली वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर में बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती का शुभारम्भ ब्लॉक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं गणमान्य जनों की उपस्थित में हुआ। इस अवसर पर यहां उपस्थित अतिथि के द्वारा बाबा साहब के आदर्शों और नियमों का वर्णन एवं पालन करने का विचार लिया। उक्त अवसर पर HP गैस एजेंसी के संस्थापक लोकनाथ बारी ने अनेक हितग्राहियों को गैस कनेक्शन की वितरण स्थानीय विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री रामलाल चौहान चंद्र कुमार पटेल के कर कमलों से हुआ। CNI न्यूज सरायपाली से उमाकांत नायक की रिपोर्ट। महासमुंद ग्राम पंचायत लाफिंग खुर्द में रामायण सम्मेलन का आयोजन 13 अप्रैल से हो रहा है, जो आज 15 अप्रैल तक चलेगा। इस रामायण सम्मेलन में राज्य के ख्याति प्राप्त मानस मंडली, जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव के मानस मंच का आगमन नित्य हो रहा है। अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण गर्मी और वर्षा दोनों में ही ग्रामीण रामायण का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आज तीन दिन होने के कारण लोगों की भीड़ भारी संख्या में रामायण स्थल में पहुंच रहे हैं। वहीं आज ग्रामीणों के लिए और बाहर से आए हुए लोगों के लिए आम भंडारा का आयोजन किया गया है। शाम को अतिथि आगमन में डॉक्टर विमल चोपड़ा विधायक महासमुंद का आगमन हुआ। रामायण सम्मेलन समारोह में हुआ, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने का कहा। साथ ही समाज में व्याप्त नशा के खिलाफ जन जागरूकता फैलाकर नशाबंदी करने को कहा। हाँ, साथ ही सभी को एकता के सूत्र में बंध कर समाज सेवा और जनजागरण करके बुराई को ग्राम से दूर करने का संदेश दिया। वहीं ग्राम के बुजुर्ग घनश्याम साहू ने डॉक्टर चोपड़ा को संघर्षशील बताते हुए कहा कि महासमुंद में ऐसा विधायक नहीं है जो जनता को समर्पित है, जिसके माध्यम से आज गांव-गांव में नशा के खिलाफ जनजागरूकता फैली है। रात्रि अतिथि आगमन में पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर का आगमन हुआ, जिसमें साहू समाज भवन का लोक कापन किया गया। साथ ही मानस मंच में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामायण में संगीत के माध्यम से हमें जो समझाता है वह कर्म प्रिय होता है, उसे एक बार अमल कर लिया जाए तो जिंदगी में सुधार अवश्य होता है। रामायण के व्याख्यान के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक होकर कार्य करने से गाँव में एकता शक्ति आएगी। ग्राम में बड़ी संख्या में लोग रामायण सुनने आए थे। वही मोरसंगवार मानस मंडली का यह प्रत्येक वर्ष होने वाला आयोजन है, जिसमें सभी ग्रामवासियों का भर के दिनों में भी वहां सड़कें और गलियां पानी से लबालब रहती है, क्योंकि आसपास के नाली का पानी उस वार्ड में जमा होती है, जो कि मोहल्ले वाले के बार बार शिकायत करने पर भी पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आज उन्होंने उत्तर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा को अपनी समस्या बताया। पूर्व विधायक द्वारा मौके का जायजा लेकर उस समस्या को जल्द से जल्द निवारण करने की आश्वासन दिया। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के साथ कांग्रेस के संजय सोना, हा माधव छुड़ा, अरुण जंगेल, मंगल तांडी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। छुड़िया कुमरदा शाखा द्वारा ग्राम चौरा बंजारी में डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। कुमरदा ब्लॉक तहसील संघाध्यक्ष श्री चिंताराम एवं सचिव श्री राकेश मेश्राम भी CNI छुड़िया दुर्ग से फकीर राम साहू की रिपोर्ट। सरायपाली अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती के अवसर में सरायपाली ब्लॉक के समस्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में सरायपाली विधायक राम
लाल चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती चंद्र कुमार पटेल एवं एचपी गैस एजेंसी के प्रोपाइटर लोकनाथ बारी के उपस्थित में सरायपाली वार्ड नंबर 1 अंबेडकर नगर में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का शुभारंभ ब्लॉक के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं गणमान्य जनों की उपस्थित में हुआ। इस अवसर पर यहां उपस्थित अतिथि के द्वारा बाबा साहब के आदर्शों और नियमों का वर्णन एवं पालन करने का विचार लिया। उक्त अवसर पर एचपी गैस एजेंसी के संस्थापक लोकनाथ बारी ने अनेक हितग्राहियों को गैस कनेक्शन की वितरण स्थानीय विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री रामलाल चौहान चंद्र कुमार पटेल के कर कमलों से हुआ। सीएनआई न्यूज सरायपाली से उमाकांत नायक की रिपोर्ट। महासमुंद ग्राम पंचायत लाफिन खुर्द में रामायण सम्मेलन का आयोजन 13 अप्रैल से हो रहा है जो आज 15 अप्रैल तक चलेगा। इस रामायण सम्मेलन में राज्य के ख्याति प्राप्त मानस मंडली जिसमें रायपुर दुर्ग धमतरी महासमुंद राजनांदगांव के मानस मंच का आगमन नित्य हो रहा है। अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण गर्मी और वर्षा दोनों में ही ग्रामीण रामायण का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आज तीन दिन होने के कारण लोगों की भीड़ भारी संख्या में रामायण स्थल में पहुंच रहे हैं। वही आज ग्रामीणों के लिए और बाहर से आए हुए लोगों के लिए आम भंडारा का आयोजन किया गया है। शाम को अतिथि आगमन में डॉक्टर विमल चोपड़ा विधायक महासमुंद का आगमन हुआ। रामायण सम्मेलन समारोह में हुआ जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने का कहा। साथ ही समाज में व्याप्त नशा के खिलाफ जन जागरूकता फैलाकर नशाबंदी करने को कहा। हाँ, साथ ही सभी को एकता के सूत्र में बंध कर समाज सेवा और जनजागरण करके बुराई को ग्राम से दूर करने का संदेश दिया। वही ग्राम के बुजुर्ग घनश्याम साहू ने डॉक्टर चोपड़ा को संघर्षशील बताते हुए कहा कि महासमुंद में ऐसा विधायक नहीं है जो जनता को समर्पित है, जिसके माध्यम से आज गांव-गांव में नशा के खिलाफ जनजागरूकता फैली है। रात्रि अतिथि आगमन में पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर का आगमन हुआ जिसमें साहू समाज भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही मानस मंच में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामायण में संगीत के माध्यम से हमें जो समझाता है वो कर्म प्रिय होता है, उसे एक बार अमल कर लिया जाए तो जिंदगी में सुधार अवश्य होता है। रामायण के व्याख्यान के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक होकर कार्य करने से गांव में एकता शक्ति आएगी। ग्राम में बड़ी संख्या में लोग रामायण सुनने आए थे। वही मोरसंगवार मानस मंडली का यह प्रत्येक वर्ष होने वाला आयोजन है जिसमें सभी ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। सीएनआई न्यूज महासमुंद से रेखराज साहू की रिपोर्ट। बीजापुर प्रधानमंत्री ने खुद पहनाए बुजुर्ग महिला को चरण पादुका तो भाव विभोर हो उठे लोग, याद आ गई कुंवरबाई। बीजापुर 15 अप्रैल 2018। बीजापुर के जामलापा ऊंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने हाथों से एक बुजुर्ग आदिवासी महिला को चरण पादुका पहनाई तो उपस्थित जनसमुदाय भाव विभोर हो उठे। प्रधानमंत्री की इस विनम्रता को देख लोगों ने खूब तालियां बजाई। बात किया जा रहा है कि ये महिला तेंदुपत्ता संग्राहक है। प्रधानमंत्री ने कुछ देर इस महिला से बात भी की। प्रधानमंत्री की इस विनम्रता ने एक बार फिर बकरी बेचकर शौचालय बनाने वाली स्व कुंवरबाई की याद दिला दी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 104 वर्षीय जिस बूढ़ी महिला कुंवरबाई ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 के राजनांदगांव प्रवास के दौरान कुंवरबाई की विशेष सराहना करते हुए कहा था कि यह बदलते भारत का एक बड़ा संकेत है। पीएम ने बूढ़ी महिला कुंवरबाई के पैर भी छुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 104 वर्षीय एक बूढ़ी महिला जो एक दूर दराज के गांव में रहती है, टीवी नहीं देखती ना ही समाचार पत्र पढ़ती है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का संदेश किसी ना किसी तरह उन तक पहुंच गया। उन्होंने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी और गांव के अन्य लोगों को भी इसे बेचने के लिए प्रेरित किया। कुंवरबाई ने अपने घर में 2 शौचालय बनाने के लिए 8 व 10 बकरियां बेची थी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में बनाए गए शौचालयों का कुछ अन्य ग्रामीणों को दिखाना शुरू किया। साथ ही उन्हें इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। अब गांव के घर घर में शौचालय है। सीएनआई न्यूज बीजापुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीजापुर कुछ इस अंदाज में बस्तर के लूथ से मिले पीएम मोदी। इत्मीनान से बैठकर की बातें लगाए ठहाके। बीजापुर 15 अप्रैल 2018। बीजापुर घोर नक्सल क्षेत्र बस्तर में पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। पीएम के आने से पहले सुरक्षा से लेकर नक्सल गतिविधियों की स्थिति के बाद बने भय के वातावरण से परे काफी जुदा अंदाज में लोगों से मिलते दिखाई दिए। बीजापुर रखे ग्राम जांगला में प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी युवा बीपीओ कर्मचारियों के साथ भी इसी अंदाज में मिले, बड़ी आत्मीयता से बात की और उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज पूरे एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास में हैं। आज वे आयुष्मान भारत योजना देश को समर्पित कर दी।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों 5 लाख रुपए तक की इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले जगदलपुर पहुंचे, फिर वहां से वायुसेना की कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के जांगला पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना देश को समर्पित की। साथ ही कई जनपरियोजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बीजापुर के बीपीओ कर्मचारियों के साथ भी कुछ समय व्यतीत किया। बस्तर क्षेत्र में ग्रामीण बीपीओ की स्थापना से स्थानीय युवाओं हेतु रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। CNI न्यूज बीजापुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीजापुर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जांगला में की रिक्शे की सवारी। बीजापुर, 15 अप्रैल 2018। बीजापुर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजापुर जिले के ग्राम जांगला में ई रिक्शा की सवारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के साथ जब जांगला के बीपीओ सेंटर का अवलोकन करने के बाद बाहर निकले तो वहां अपना ई रिक्शा लेकर श्रीमती सविता साहू खड़ी थी। प्रधानमंत्री ने श्रीमती सविता साहू का हाल चाल पूछा। श्रीमती सविता ने बताया कि वे ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार की मदद कर रही हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने श्रीमती साहू के हौसले की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने रेडियो वार्ता मन की बात में ई रिक्शा चलाने वाले दंतेवाड़ा के महिला स्व सहायता समूह की तारीफ करते हुए इन महिलाओं को आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया था। उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्र और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ई रिक्शा वितरण योजना शुरू की गई है। CNI न्यूज बीजापुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव, हरदीप छाबड़ा बने जर्नलिस्ट यूनियन छक्के दुर्ग संभागीय उपाध्यक्ष। राजनांदगांव जिलाध्यक्ष की कमान जितेंद्र जैन जीतू को, कौड़ीकसा के अनिशपुरी गोस्वामी को प्रदेश सह सचिव की जिम्मेदारी। अंबागढ़ चौकी के हरदीप छाबड़ा और डोंगरगढ़ के नैन कुमार जनबंधु दुर्ग संभागीय उपाध्यक्ष नियुक्त। राजनांदगांव जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ रायपुर पंजीयन क्रमांक 617 के प्रदेश संभाग और जिला स्तर पर गठन और विस्तार की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। इसके तहत रविवार को दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले के सर्किट हाउस में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर पांडे और तमाम प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित पत्रकारों की वृहद बैठक में यूनियन के प्रदेश संभाग और राजनांदगांव जिला स्तर की गठन प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। दुर्ग संभाग के संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश्वर अंकार और प्रदेश सचिव RP सिंह के प्रस्ताव तथा दुर्ग संभाग के अध्यक्ष प्रदीप सान्याल की सहमति के बाद यूनियन के राजनांदगांव जिलाध्यक्ष की कमान तेज तर्रार वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जैन जीतू को सौंपी गई। संगठन प्रभारियों के प्रस्ताव के आधार पर अंबागढ़ चौकी वनांचल के कौड़ीकसा निवासी अनिशपुरी गोस्वामी को दुर्ग संभाग से प्रदेश सह सचिव नियुक्त किया गया।